हेलो दोस्तों, मैं मधुर अग्रवाल और tradersonline.com चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि हमारी ये जो वीडियो सीरीज चल रही है, यहाँ पर हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वित्तीय वर्ष 17-18 में आपके लिए क्या क्या मेजर चेंजेस होने वाले हैं इनकम टैक्स के अंदर। और ये सब हम लोग जो चल रहे हैं, इसका बेस फाइनेंस एक्ट 2017 है। तो हम लोग मेजर चेंजेस के बारे में डिस्कस करते करते आज सेकेंड मेजर चेंजेस के बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, 1 अप्रैल 2017 से जो इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो चेंज होने जा रहा है। और यदि आपका इनकम 5 लाख के अंदर है तो आपको 10% की जगह 5% इनकम टैक्स देना है। और यदि आपकी इनकम 3.5 लाख रुपए तक है तो आपको 1 रुपए का टैक्स नहीं लगेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 2500 रुपए का रिबेट दे रही है। यही अगर मैं वित्तीय वर्ष 16-17 की अगर बात करूं तो यही रिबेट आपको 5000 रुपए की थी और आपका इनकम टैक्स का जो स्लैब रेट था वो 10% था। और यही आप जो है वित्तीय वर्ष 17-18 के अंदर रिबेट 2500 हो गई है और उसके बाद में टैक्स स्लैब 5% हो गया है। तो अगर मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो आपके लिए 7700 रुपए का आपको टैक्स सेविंग हो रहा है यदि आपकी इनकम 5 लाख के अंदर है। और यही अगर आप 5 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम है और 50 लाख के अंदर है तो आपको 12900 रुपए का आपको टैक्स सेविंग होगा। तो आपको हमारा ये इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करिए, हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।